नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दुबई में प्राइड ऑफ होम्योपैथी सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन भारत के प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर नीतीश दुबे की कंपनी बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए। प्राइड ऑफ होम्योपैथी सम्मेलन में 200 से अधिक डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राजनीति से लेकर खेल और फिल्म जगत की कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुईं। I, on behalf of Burnett Homeopathy Private Limited and Dr. Nitish Chandra Dubey, welcome our chief guests and all the renowned doctors from homeopathic community. Today, I feel privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our world famous doctors. अक्सर कहा जाता है दोस्तों कि अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो होम्योपैथी का दामन थाम लीजिए। हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी को संपूर्ण विश्व में स्वीकार्यता प्राप्त हो गई है और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। होम्योपैथी जो भारत में लगभग 200 साल पहले आरंभ की गई थी, आज यह भारत की बहुलवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो बीमारी नहीं, बीमारी के कारण को खत्म करती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रामजी सिंह से कि वो प्री स्टेज पर आए और होम्योपैथी के लिए अपने व्यूज व्यक्त करें। बिहार और हिंदुस्तान से बाहर आकर के दुबई में ये कांग्रेस करें, यह एक बहुत बड़ी सोच है। दूसरा कि जो आपने देखा कि शायद एक बड़ा नाम और फेम कमाने में यहाँ हमारे बड़े अच्छे अच्छे चिकित्सक आए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनको नाम और फेम करने में उनको काफ़ी समय लगा। लेकिन नीतीश चंद्र दुबे, आप देख रहे हैं कि इतने कम एज में इन्होंने जो, अब तो पहले बिहार में हम लोग जानते थे, बिहार के बाहर हिंदुस्तान के लोग जाने और हिंदुस्तान के बाहर आज पूरे विश्व के लोग यहाँ बैठे हैं, इनको जानते हैं। तो नंबर वन कि ये एक अच्छे डॉक्टर हैं। जनरली क्या होता है कि बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड से जानेगा कि ये MD हैं, उसके मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन मैं ये परिचय नहीं देना चाहता। ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, MD नहीं है, पहले ये डॉक्टर हैं। और जब एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, सब इसमें आज जो बैठे हैं सब अच्छे डॉक्टर, सुरमल सरकार जी भी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको लगता होगा, डॉक्टर जोश इशाक वर्ल्ड फेम के डॉक्टर हैं, इनको पता है कि हम प्रैक्टिस जब करते हैं तो दवा की क्वालिटी सबसे बड़ी हमारी होम्योपैथी में डिमेरिट ये है कि हम किस कंपनी की दवा रखें, कौन सी दवा की क्वालिटी अच्छी है, किस कंपनी की क्वालिटी अच्छी है। तो जब एक डॉक्टर के सामने ये समस्या आती है कि मैं किस, हम सभी लोग के सामने ये समस्या आती है किस कंपनी की दवा खरीदें, तो जब डॉक्टर ये सोचता है और वो डॉक्टर जब फील्ड में उतरता है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, तो सबसे पहले उसका ध्यान उसकी क्वालिटी पर होता है कि भाई हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, 200-250 पेशेंट पर डे देखते हैं, तो इतने कम समय में कंपनी अच्छी हो सकती है। लेकिन जितनी कंपनी इंडिया में आप देख रहे हैं वो कंपनी को नाम फेम करने में 15-20 साल लगे, लेकिन आश्चर्य है कि बर्नेट होम्योपैथी लेबोरेटरी मात्र 2-6 महीने के अंदर, जो लोग कल नहीं जानते थे आज दुबई में हम सब उपस्थित हैं, तो इतने कम समय के अंदर और इतनी बड़ी तेजी से इस कंपनी का नाम फैला, तो कहीं ना कहीं इसके लिए, और शायद नीतीश दुबे एक अच्छे प्रेजेंट, सुबह पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं और निश्चित तौर पर यह आपको आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में वर्ल्ड लेवल की हमारी बर्नेट होम्योपैथी लेबोरेटरी होगी, इसमें कोई शक नहीं। जितने कम समय में आज बिहार की बात छोड़िए, बिहार में तो आप जितने लोग आए हैं सब अच्छे डॉक्टर हैं, सबको पता है, लेकिन ये दुबई में कार्यक्रम करना एक हिम्मत और साहस का काम है कि, और इतना से पूरे वर्ल्ड के लोगों को इकट्ठा करना। जब डॉक्टर जोश इशाक जी हैं, सुरमल सरकार हैं, बी टी रुद्रेश हैं, MK साहनी जी हैं, ये लोग वराबर फॉरनर जाते हैं, मुझे भी कई बार जाने का मौका मिला है और कितनी बार मैंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस देखी है, लीगा की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, लेकिन शायद
किसी लीगा के कॉन्फ्रेंस में इतना हॉल कभी भरते हुए मैंने नहीं देखा है, किसी लीगा के कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए कि इतना आप आए, आपकी उपस्थिति रही, मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। That the award ceremony is amongst the most treasured occasions for a doctor, as it reflects the hard work and dedication put by a doctor over years. Today, we have gathered here not just to celebrate the achievement of our doctors and scholars, but also to give due regard to their values and morals. Burnett Homeopathy Private Limited recognizes and identify individuals associated with homeopathy for their accomplishments and years of contribution to homeopathy and to homeopathic community. They are the true ambassadors of homeopathy. Very grateful to Dr. Nitish Chandra Dubey for inviting me here, because I'm a great believer in homeopathy. मैं homeopathy में इतना faith रखती हूँ, और वो जो पहला appointment होता है ना, जहाँ पे आप दो ढाई घंटे अपनी पूरी history बताएं, that's it, you know, you're getting to the root of the problem. And it's not just about dealing with and suppressing symptoms. You are dealing with it mentally, emotionally, physically, through and through. So homeopathy ki main bahut badi fan hoon. I love homeopathy. Main apne aap ko bhi jab bhi mere sharir mein ya mere constitution mein imbalance hota hai, I go to a homeopath. Main apne bachchon ko bhi sirf homeopathy ke saath ट्रस्ट करती हूँ. होम्योपैथी इज समथिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम इन इम्बैलेंस, आई गो टू द होम्योपैथ. एंड यू नो, फर्स्टली शी लास्ट मी कि क्या मतलब क्या चल रहा है, आई यू इमोशनली यू नो फीलिंग स्टेबल, आई यू फीलिंग ओके, इज देयर स्ट्रेस दैट यू आर गोइंग थ्रू, हाउ यू स्लीपिंग. सो दैट्स अ थिंग, इट्स ऑल राउंड, इट्स 360, एंड दैट्स हाउ fixing an imbalance or dis-ease in your body should be done, not just by suppressing symptoms. So homeopathy has sorted some very big problems of mine and my children's problems as well, health problems. So homeopathy is a very, very important part of my life. As far as Burnett Homeopathy Private Limited is concerned, it was my pleasure and privilege to be a part of an event for Dr. Nitish. Couple of years ago, I think about 6-7 years ago, 2016, 2017, when I went to Delhi for the launch of the Burnett Homeopathy app. And I have to say, 7 years ago, there were maybe 60 clinics. And now Burnett Homeopathy Private Limited has 460 clinics. That deserves a big round of applause. 460, is that right? Products, yes. It is spreading its wings far and wide, and for that I am very grateful to be a part of an event back then and an event right now. So 460 products and counting.
and counted. And counted. We're to launch our new products today itself. Yes. So homeopathy is very, very important to me, and I'm very, very grateful to Burnett Homeopathy for inviting me here and making me a part of an afternoon like this. Next, I would like to call on stage S. Srisan, sir. First of all, pranam to each and everyone. It's a great honor to be a part of this beautiful event. I am really grateful to the doctor for inviting me, and everybody here. It's all biggest of dignitaries and very well known personalities here. So we have especially the MP here, an actor, singer, and the MP. Lot of people here who's been, you know, associated with such beautiful homeopathic event. And you know, when it comes to homeopathy, personally, as a kid, I always loved homeopathy. Whenever I had a small fever to anything related to any diseases, the first thing I used to tell my mom and dad was, let's go to a homeopathic center. And in Kerala, as you know, there is a doctor here from Kerala as well, so he knows. In Kerala, we say ella idathum homeopathy undu, means everywhere there is a homeopathy clinic. And that's something which I always enjoyed, and that really cures also, as doctor rightly said. And especially, you can see across the globe, from in different parts of the world, homeopathy has been you know, only growing and growing and growing. And especially with such products coming out in the market, I think I got this saying, people say sky is the limit, I say sky is not the limit. So you just got to keep growing and keep learning, and I'm honored. And it's such a great opportunity for a lot of youngsters to take up homeopathy and learn from it, and not to compete with any other department of medicines, but personally and professionally you can learn a lot from homeopathy. We're glad to know you're a firm believer, sir. Yes, I am. Thank you. And now, even I'd like to know, how do you maintain your fitness? It's very easy. Eat right, sleep right, and be with the right kind of people, and eat the right medicine. Yes, homeopathy for sure. And I would like to share, I did attend one more event in Indore, and he did give me a lot of homeopathic and different routines for the hair, for the skin, and it does work wonders. I mean, when it comes to anything which you get free, most of them don't use it. If you buy it, they actually use it. So in fact, my dad always says, you know, ours says Aditi Deva Bhava. It's the same thing. If somebody gives you a gift, even if it's a small flower, I always take it back home and keep it in my friend room at least for a day. So it's the same with the medicine which I got in Indore, and I really, really used it. And I should ask some more. In fact, you know, it's always nice to get the new products. And I just genuinely, all the doctors here, every professors, I give a big salute, because the effort you guys put in and to make this to the next level, I really, really salute you all. Thank you. Also, as you have represented the country in the entire world, right? So we are trying to represent homeopathy to the entire world. We're trying to convey this message that this is the best form of treatment you can find. What are your views on that? See, especially coming from international sport, there's something called WADA. Yeah, so we're not supposed to use a lot of other products which comes in market. So in homeopathy, I think most of the products are, you know, they do agree you can have it. And there is no side effects to homeopathy. And personally, I love it. In fact, even before a game, and there are small things which makes a lot of difference. And I think attention to details, a smallest of details, is the most important. And that's why I love homeopathy, because it goes to the root cause and gets it out and cures it. So when I look at it from a normal point of view, brilliant. When I look at it in the point of an international sports person, wow, nothing can get better. Please give a huge round of applause for the book launch. We congratulate Burnett Homeopathy Private Limited for the book launch.
हमारी कंपनी ने एक आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन आयोजित करा था जिसमें कि हमारे विनर्स ने ADHD और ऑटिज्म पे आर्टिकल्स लिखे थे। हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा एंट्रीज आई थी पूरे इंडिया से। These winners did exceptionally well. Now presenting the award, please give a huge round of applause for these gems of... Along with the article writing competition, Burnett Homeopathy Private Limited also set out a hunt for the best homeopathic influencers in the entire India. And we have our winners here with us in Dubai. महफिल में अभी एक ऐसे शख्स आए हैं जिनके परिवार के योगदान की जब बात की जाए तो भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हो, एक बार श्रद्धा के भाव से उसकी आंखें नम ना हो, ऐसा देश का कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो अभी हम बुलाना चाहेंगे लाल बहादुर शास्त्री के पोते जो अभी इस मंच पर आने वाले हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो एक बार, एक श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री मतलब देश के ऐसे गौरव जिन्होंने सादगी और उसका परचम लहराया, उनके पोते हैं, हम सब के बीच में हैं। और यहाँ पर चूंकि भारतीय होम्योपैथी की बात हो रही है, भारत को जन जन तक भारतीय होम्योपैथी को पहुँचाने की बात हो रही है, तो ऐसे में इनका यहाँ आना हम सब के लिए, सभी होम्योपैथी चिकित्सक दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। आपके पूरे परिवार का जो योगदान रहा है, भारत के इतिहास आपके बिना नहीं लिखा जा सकता है। तालियों की एक बार और गड़गड़ाहट हो। तो मैं दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और दो शब्द कह के होम्योपैथी के जो यहां पर चिकित्सक हैं उनका हौसला अफजाई करें। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट दीदी के लिए। सबसे पहले मैं तो जो प्राइड ऑफ होम्योपैथिक वर्ल्ड हेल्थ समिट का जो व्यवस्था हमारे छोटे भाई बर्नेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने जो किया है, उसके लिए तो मैं सबसे पहले उन्हें हृदय से हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे सामने बैठे सभी नामी ग्रामी हमारे चिकित्सकगण पूरे देश विदेश से यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभी के छोटे भाई, प्यारे भाई, अभी सांसद आजमगढ़ भाई निरहुआ जी, हमारी बहन अक्षरा और तमाम हमारे सेलिब्रेशन जो भी आए हैं, आज हम सभी इस कार्यक्रम में, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के कार्यक्रम में सारे लोग उपस्थित हैं। मैं आज जो डॉक्टर साहब जो सुबह से प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे गार्जियन भी हैं, सभी हमारे भाई बहनों और हमारे गार्जियन, मैं बिहार के तरफ से पूरे वर्ल्ड से जो भी आए हैं उनको हार्दिक अभिनंदन और बधाई करती हूँ। आज सचमुच जो होम्योपैथिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह पद्धति हमारे अनुसार औषधि उन रोगों को दूर कर सकती है जिन्हें वे उत्पन्न कर सकती है। तो दोनों अगर हम देखें तो ऐसा होम्योपैथिक हमारा है और ये चिकित्सा पद्धति इस मायने में अद्भुत है कि इसमें रोग के लक्षणों से ही आधार पर हम सब कुछ इलाज कर सकते हैं। इसमें पैथोलॉजिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है होम्योपैथिक में कि दवाओं का जो भी साइड इफ़ेक्ट है, प्राय कहीं भी हमें साइड इफ़ेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसे हम जो हम कहें कि भारत के समेत दुनिया के विभिन्न देशों में करोड़ों लोग आज होम्योपैथिक पद्धति से लाभ उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने भारत में आयुष वीजा जारी करने की घोषणा की है। आयुष के आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के चार चिकित्सा पद्धति आती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आयुष उत्पादनों की दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार आयुष वीजा जारी करेगी।
और इन वीजा से आयुष चिकित्सकों का लाभ लेने के लिए भारत आने वाले विदेशियों के विशेष सुविधा मिलेगी। भारत जो है हमारा, इससे भारत का चिकित्सा पर्यटन और विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादकों के लिए विशेष आयुष चिन्ह बनाया जाएगा। इसमें दुनिया भर के लोगों को भारतीय आयुष उत्पाद का विश्वास बढ़ेगा। कोरोना काल में जिस तरह से हमने दमदार कोरोना को भारत में पराजित किया है, उसे हम आयुष शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा ही हम योगदान उसको मान रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि देश दुनिया में जो है भारत हमेशा अव्वल रहा है, और उनकी जो अव्वलता है ये सबसे बड़ा उनका बात है। मैं स्वयं आज जो बरन कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं उनकी क्लाइंट हूँ और मैं 9 महीने से दवाई खा रही हूँ। मैं 2 साल पहले से मुझे हो रहा था कि आपके घुटने को चेंज करना होगा क्योंकि आपका घुटना नहीं चल सकता है, लेकिन मैं परेशान थी। तब तक किसी ने मुझे कहा कि आप एक बार दवाई खा के देखो, हेमोपैथिक तुम्हें सुविधा मिलेगा, और मुझे आज कहते हुए बहुत ही सुविधा, बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि आज अगर मैं चल रही हूँ या आज मैं काम कर रही हूँ उनके दवा से, बर्नेट कंपनी के दवा से आज मैं खड़ी हूँ, और आज कम से कम 30 सीढ़ियाँ हम 5 बार चढ़ते हैं और उतरते भी हैं, और साथ साथ हम काम भी करते हैं। Today, I feel privileged and honored to have Dr. Sergey Voronoff here with us. Sir, I would like to invite you on stage to please kindly share your views about the Pride of Homeopathy event. Thank you so much. Dear guests, dear colleagues, dear partners, dear brothers and sisters, I am so happy to be here with you. Such a significant, amazing event took place here in Dubai. As you know, Dubai is very well known like international trade center. Dubai is very well known like a center of initiatives, innovations and research, but also it's a very traditional center. And today, this global summit, proud of Homeopathy World Health Summit, it's like new page of the history of the peoples, because I can see that we unite doctors from different countries, from different continents even, to support health. As you know, we are living in the time of challengers. It's a lot of historical challenges right now we in our experience, but I am completely believe that homeopathy is the future of humanity. I am completely believe that you are the most significant profession in the world is a doctor, even on Sanskrit language, as you know, the Kaviraj. It's like he's like a Raj. He's like a king of all other skills. That's why, from the depths of my heart, I want to tell that I was so appreciate to be here with you, and I wish you the best in all your life. We also have today singer Daria Stavseva, the supermodel of Russia. Ma'am, I would like to request you to please kindly sing a few lines for us. Белый шиповник, дикий шиповник, краше садовых роз. Белую ветку юный любовник графской жене принес. Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Для любви не названа цена.
лишь только жизнь одна, жизнь одна. Thank you so much, ma'am. I'm so happy. तो अब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे. भारतीय क्रिकेट टीम के का जो पॉपुलैरिटी का इतिहास लिखा गया है, समझिए कि सर्वकालीन भारत के मशहूर क्रिकेटरों में से एक मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो. और हमारे यूपी बिहार के गौरव, यूपी बिहार ही नहीं कहें दिल्ली के भी गौरव, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी सर का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन. आप सभी को नमस्कार. जोरदार तालियों से पहले आप सब स्वागत करें. और आप मुस्कुराइए, आप दुबई में हैं. अभी हमारे सामने न सिर्फ हमारे देश के बल्कि पूरी दुनिया के आइडल अजहरुद्दीन साहब खड़े हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं. और कैप्टन ऐसे नहीं, जब जब भारतीय क्रिकेट इतिहास का या वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अजहरुद्दीन का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा. ऐसे हमारे अजहर भाई साहब. एक जोरदार तालियां नीतीश के लिए लगाना चाहिए हम सबको, नीतीश दुबे जी के लिए. ऐसा कार्यक्रम सोचने के लिए भी बहुत साहस चाहिए कि आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से, केरल से, देश के अनेक हिस्सों से एक भारत का होम्योपैथ का विद्यार्थी में इनको बोलूंगा, क्योंकि अभी भी ये नहीं कहते कि मैं पूर्ण हो चुका हूं. ये विद्यार्थी के रूप में काम कर रहे हैं और आज कई लोगों को सम्मानित किया जाना है. देखिए, ये तो 4 सेकेंड में एक सम्मान हो जाएगा, लेकिन बिहार में मुंगेर के कल्याणपुर गांव का एक बालक नीतीश दुबे, वो अपनी होम्योपैथ की धाक आज पूरी दुनिया में बना चुके हैं. और आज हम दुबई में सम्मानित करने जा रहे हैं आप सबको. अजहरुद्दीन साहब ने जाने कितनी बार इंडिया को बड़ी विजय दिलाई है, लेकिन एक और क्रिकेटर को याद करिए जिन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में आखिरी कैच लिया था और भारत विश्व चैंपियन बना था. जोरदार तालियों से उनको भी मंच पे अजहरुद्दीन साहब के साथ बुलाते हैं, श्री संत जी. और हम अजहरुद्दीन साहब से निवेदन करेंगे हम सबको दो शब्द आज के अपने एक्सपीरियंस को और नीतीश दुबे जी के इस प्रयास के बारे में दो शब्द कहेंगे. हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब देवीलाल साहब बैठे हैं, मनोज भाई और मेरे छोटे भाई, कभी भी श्रीशांत मुझे कभी बड़े भाई बोल के ही बात किया, कभी भी हर बार मैं जब भी करता हूँ तो ये मेरे बहुत अच्छे अच्छे छोटे भाई हैं. और जितने भी नीतीश भाई जो आए यहाँ पे, आपका भी, आपने जो जो इवेंट बनाया है मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट है. मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के बीच में आऊँ, क्योंकि मनोज भाई ने मुझे इतनी तारीफ़ कर दी कि मैं इतना नर्वस हो रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ. बट मनोज भाई तो कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है. आप तो जितनी भी तारीफ़ आपकी करें और जितने भी लोग यहाँ पर, श्रीशांत बहुत कम है. और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कोई आपकी तारीफ़ कर सकूँ. बट मैं एक दो तीन होम्योपैथी के इंसिडेंट्स देखना चाहूँगा. पहले तो पूरे जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं,
और बाहर की कंट्री से भी आए हुए हैं, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग ने आज अवार्ड जीता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक अवार्ड जीतना एक क्रिकेटर के लिए और एक डॉक्टर के लिए या जो भी प्रोफेशन में होता है, जब उन्हें अच्छी सर्विस करते हैं, जब आपको रिकग्नाइज़ कर जाता है, रिकग्निशन दिया जाता है, तो आपको बहुत खुशी होती। तो मैं आप लोग का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और आगे इससे ज़्यादा बढ़ें। मेरे एक दो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मेरे साथ इवेंट्स हुए हैं होम्योपैथी में, कि मैं जब छोटा था, शायद मेरे ख्याल में मैं 70-80 में जब कॉलेज में मैच खेल रहा था, तो पहले तो मनोज भाई आपको पता है ना, जूते ऐसे ही सस्ते वाले जूते मिलते थे, जो मिला वो खेल ले। तो हम जब छोटे थे प्रैक्टिस करते थे, एक हफ्ते में एक बैट मिलती थी और 8-10 लोग बैटिंग करते थे, हर हफ्ते एक बैट टूटती थी, तो फिर टूटने के बाद वो नई बैट मिलती थी। तो इतना कठिन था, इतना आसान नहीं था जब था, बट लेकिन वो जो शूज़ होते थे पहले, अभी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे शूज़ बने, जब हम लोग खेलने लगे जब भी बहुत अच्छे शूज़ बने, जब हम स्कूल में थे कॉलेज में थे तो शूज़ बिल्कुल एकदम आर नेल्स के होते थे, क्योंकि जब आप भागते थे तो जो कीले होते थे अंदर शूज़ में लगते थे। तो मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे दोनों पैर में कॉन्स हो गए थे नितीश भाई, तो भागा नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, तो हमें एक तशवीश हुई कि बहुत से डॉक्टर्स ने बताया, क्योंकि हमारे एक बहुत होम्योपैथी भी हैदराबाद भी होम्योपैथी के लिए बहुत माहिर है, मशहूर है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर थे। हमारे एक डॉक्टर थे पहले, बहुत पुराने थे, शायद मेरे ख्याल में जब उस दिन उस टाइम पे उनकी उम्र मेरे ख्याल में 80 के ऊपर थे, 85 ईयर्स के थे, और वो थोड़ा सा एकदम गुस्से वाले डॉक्टर थे, क्योंकि जो भी वहाँ जाते थे, अरे साहब गुस्से में आते, वो ज़रा केयरफुल बात करना। तो जब मैंने गया बोला, सर वो मेरे पैर में कौन हो गए, तो बोलते इतनी देर के बाद क्यों आ रहे हो। मैं बोला, सर अभी 5-6 दिन हुआ, मैं ऐसा लग रहा है कि कौन हो गया। बोले नहीं, जल्दी आना चाहिए था। उनके पहले तो उन्होंने डांट दिया, उसके बाद में होम्योपैथी मेडिसिन दिया, बिल्कुल मैंने एक महीने तक कंटिन्यूस वो मेडिसिन खाया, उसके बाद आज तक मेरे पैर में कभी कौन नहीं हुआ। तो मैं वो डॉक्टर साहब का भी उभारी हूँ, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है, जब पूरे मेडिसिन काम नहीं करते तो स्लो होती है, लाइक जो बस बैट्समैन होते हैं ना, बहुत स्लो बैटिंग करते हैं, तो पेशेंस रखना पड़ता है। होम्योपैथी मेडिसिन अगर आपको खाना है, अगर आपको फ़ायदा होना है, तो आपको बिल्कुल उसमें पेशेंस होना पड़ता है, और आपको एवरीडे बिला ना खाना पड़ता है, टाइम से खाना पड़ता है, तो जब ही आप जाके उसमें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो मेरी मम्मी है, मदर है, वो खाली होम्योपैथी मेडिसिन खाती है। तो मैं कभी भी बोलता हूँ, मम्मा आपको दवा है ये, थोड़ी ये दवा खा लीजिए, वो तो नहीं 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 मेरे होम्योपैथी डॉक्टर अच्छे हैं, मैं उनके नहीं जाऊँगी, वो मुझे ठीक कर देंगे। तो होम्योपैथी का मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लोग पुराने लोग हैं, जब मेरी मदर है काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी एजेड है, तो उन्होंने भी खाती गुजर, हम लोग भी बहुत मेडिसिन खाए, क्योंकि जब भी सिर पे मार लगता तो आर्नी का टैबलेट हम लोग ज़रूर लगते थे, तो बैग में आर्नी का टैबलेट होती, क्योंकि कभी मार लग जाए तो ब्लड क्लॉट होता नहीं था, क्योंकि हम लोग काफ़ी 3-4 बार मार खाए, तो मैं किस्मत की बात है, आर्नी का खाए तो कभी ब्लड क्लॉट नहीं, ब्लड नहीं तो बच गए, इसलिए मैं आपके सामने ठहर के आज बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा के यहाँ पर बुलाया, और जितने भी लोग और यहाँ पर उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही काम और करते रहें, और अल्लाह आपको अच्छा सेहत और उससे अता करें, और भूमि जो जितने भी लोग हैं मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, मनोज भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे भाई श्रीकांत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेंबर पार्लियामेंट साहब का भी बहुत सर आपने इतना टाइम निकाल के आया, बहुत आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहने वाला था कि एक बार दिनेश लाल यादव, जो आजमगढ़ से अभी सांसद बने हैं, और वो भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, नीतीश जी ने उनको भी बुलाया है, जोरदार तालियां दिनेश जी, आप एक बार मंच पे आ जाएं। भोजपुरी फिल्मों की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, जो सिंगर भी है, वो भी यहां आई है, उनसे भी निवेदन है कि आप एक बार मंच पे आ जाइए। ये देखिए अजहरुद्दीन साहब का कौन नहीं वीडियो बनाता है, और जब अजहरुद्दीन होम्योपैथ की बात कर रहे हो तो फिर तो और कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। इसके बाद हम लोग जो हमारे बाकी अवार्डीज हैं उनको अवार्ड देंगे, लेकिन चूंकि एक साथ सभी लोग खड़े हैं, सो एक बार श्रीसंत जी को कि जैसे इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस होम्योपैथ के लेके, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट होम्योपैथ। फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं पहले भी लंच से पहले, अभी जैसे लंच ब्रेक के बाद फास्ट बॉलर्स को हमेशा एक स्पेल मिलता है, तो जैसे ही थैंक यू अगेन, क्योंकि मैं पहले भी इधर था, ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी था, तो न्यू बॉल बॉल डाला, अभी रिवर्स स्विंग बॉल डालने के लिए आया हूँ, सेकंड पूरा मैच खेलने के लिए, थैंक्स टू द डॉक्टर एंड थैंक्स टू सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस मैंने पहले शेयर किया था, मैं तो यही बोलूँगा कि द स्वीटेस्ट मेडिसिन यू कैन हैव टू क्योर एनी डिसीजेस इन द वर्ल्ड। तो और चाहे वो बच्चे हो या जब बूढ़े हो, कोई भी हो, आई थिंक इट रियली अफेक्ट्स, जैसे भी सर ने भी बोला अभी, यू नो इट रियली हेल्प्स। सो इट्स सच अ ग्रेट ऑनर टू शेयर सच अ पोडियम विद ऑल दिस ब्यूटीफुल पीपल एंड सेलिब्रिटीज एंड एस्पेशली सर, ह्यूज फैन एवरीबडी एंड MPs टू, यू नो द एफर्ट यू गाइस पुट इन, इट्स अमेजिंग। ऑल द डॉक्टर्स हियर, एज आई सेड अर्लियर, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे एक कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। यू नो आई विल जस्ट मेक श्योर वॉट एवर वे आई कैन टू प्रमोट दिस होम्योपैथी, आई विल कीप प्रमोटिंग एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द वर्ल्ड इज लिसनिंग फॉर श्योर। थैंक यू। अक्षरा जी, आप दुबई में हैं जी, तो मुस्कुरा रहे हैं हम दुबई में, होम्योपैथ के कार्यक्रम में हैं जी। व्हाट इज होम्योपैथ फॉर यू? सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी गणमान्य उपस्थित, जितने खूबसूरत चेहरे हैं, उनको मेरा प्रणाम। साथ ही आप लोगों के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है सर, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। होम्योपैथी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ जब भी लात उनसे पड़ी है, तब उन्होंने अर्निका दे के मुझे ठीक किया है। इसलिए होम्योपैथी से बहुत बचपन से पुराना कनेक्शन है। साथ ही कभी घुटने में दर्द हुआ या मिलिया का प्रॉब्लम है मुझे, जो कि जेनेटिक है, जिसकी वजह से थूजा दिया जाता है, सो आई हैव बिन यूजिंग सिंस सो लॉन्ग, और आगे भी चलता रहेगा इसका सिलसिला। और साथ ही दो लाइन उन सभी होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ, सर इजाज़त हो तो कह दूँ प्लीज। मिजाजे इश्क होम्योपैथिक है उनका, मिजाजे इश्क होम्योपैथिक है उनका, ना सुइया ना बोतल ना एक्सरे ना दाखिला, हम दर्द बयां करते रहे वो मीठी गोलियां देते रहे। थैंक यू। अभी हम लोग एक सेकंड के लिए थोड़ा सा रुकते हैं। हमारे इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी चौबे जी वो ऑनलाइन है और वो कुछ कहना चाहते हैं। प्राइड ऑफ होम्योपैथिक वर्ल्ड हेल्थ समिट में भारत देश के कोने कोने से गए हुए हमारे सभी होम्योपैथिक के चिकित्सकगण, साथ ही विदेशों से भी विभिन्न देश के आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण, होम्योपैथिक चिकित्सक जगत के जो जाने माने हस्तियां हैं वो आज वहां मौजूद हैं। दुबई में हमारे पूर्व कप्तान जो भारतीय टीम के मोहम्मद अजहरुद्दीन जी का अभी भाषण सुन रहा था, साथ ही वहां सांसद और अभिनेता हमारे प्रिय अनुज श्री मनोज जी तिवारी दिल्ली के सांसद, और सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी, ये सभी वहां पधारे हुए हैं। साथ में श्री संत जी पूर्व क्रिकेटर भी हैं, श्री सुश्री अक्षरा सिंह जी भी हैं, बहुत बड़े फिल्म अभिनेता अभिनेत्री, और डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर सुनिर्मल सरकार जी, डॉक्टर मिन्नी जोश जी, डॉक्टर ब्रिज नारायण सिंह, डॉक्टर रुद्राक्ष जी, डॉक्टर शिवमूर्ति सिंह जी विदेशी डेलीगेशन के रूप में समिट में शामिल हो रहे, डाना उल्लमान जी, मुरे रोनी जी, विटिक्स जी, गुना जी, ओल्गा नवीना जी, और जीटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD, बोर्ड ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, मेंबर्स ऑफ इंडियन बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल सर्कल्स ऑफ UAE श्री राम कैलाश महतो जी, साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारी छोटी बहन श्रीमती रेणु देवी जी, उपस्थित सभी
इस समिट में आए हुए हमारे भाई और बहनों, और विशेष करके जो आयोजक इस टीम के इस होम्योपैथिक वर्ल्ड हेल्थ समिट में, जिन्होंने इसको महीनों से और यह कार्यक्रम आयोजित किया, उसके बहुत ही सुप्रसिद्ध चिकित्सक हिंदुस्तान से डॉक्टर नीतीश दुबे जी, जिन्होंने देश और दुनिया में काफी नाम कमाया है, पूरी टीम उनकी जो है उन सबको बधाई दे रहा हूँ और शुभकामना देता हूँ। आप जानते हैं कि होम्योपैथी भारत का आध्यात्म व जर्मनी का विज्ञान है। होम्योपैथी जो भारत में लगभग 200 सालों से भी अधिक पहले आरंभ की गई थी, और आज यह भारत की बहुलवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार ने होम्योपैथी और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी जैसे अनेक भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई, जिन्हें आयुष के नाम से हम जानते हैं, ऐसे अन्य पारंपरिक प्रणालियां के विकास एवं प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनके नेतृत्व में, और उन्होंने पहली बार देश के अंदर भारत में आयुष मंत्रालय की भी स्थापना किया। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों और ऐसे और सफल जितने भी इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति जो बहुचर्चित रही है, ऐसे प्रयासों के कारण केंद्र और सभी राज्यों में भारत में होम्योपैथी का एक संस्थागत ढांचा स्थापित हुआ है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि होम्योपैथी जो हमारे वानस्पतिक अर्क जो होते हैं उससे निर्मित होम्योपैथी की दवाइयां होती है। भारत में इसका प्रयोग बहुत पहले हमारे जितने भी इस प्रकार के वनस्पति से जुड़े हुए लोग हैं उन सब लोगों ने किया है। भारत में जहाँ हमारे ऐसे पुरोधा जो आयुष के हैं, होम्योपैथिक के हैं, उन सब लोगों का बहुत बड़ा प्रयास रहा है लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में, उनकी देखभाल करने में। मैं स्वयं होम्योपैथी का बचपन से ही प्रशंसक ही नहीं, मुझे जब बचपन में थोड़ी बहुत खांसी भी होती थी तो डॉक्टर मणिमोहन घोष हमारे गांव के दरियापुर भागलपुर में, और उनके क्लिनिक में स्कूल भी जाता था तो 4 गोली उनसे खा लेते थे टेबलेट। तो होम्योपैथी का लगातार भले ही वो असर देर से करता है लेकिन जोरदार असर होता है। इसलिए होम्योपैथिक जगत में जितने भी लोग उसके प्रशंसक हैं उनमें से मैं भी बहुत ही होम्योपैथिक का प्रशंसक रहा हूँ। अनेक ऐसे बीमारियां, क्रोनिक डिजीज, जिसका इलाज भी होम्योपैथिक के माध्यम से अच्छा और अच्छे ढंग से, सुलभ ढंग से हो रहा है। मैं भारत में कई कोने कोने में नीतीश दुबे के उन तमाम चिकित्सा केंद्रों में मुझे जाने का अवसर भी मिला है। काफी लोकप्रिय चिकित्सक के रूप में नीतीश दुबे हैं और मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ। भागलपुर में मैंने शुरुआत किया था और वो शुरुआत करते हुए आज दुबई तक वो पहुंच गया है। मैंने कोरोना काल में भी जो एक उम्मीद बनकर के होम्योपैथिक के प्रति जो लोगों में विश्वास जगा, और कोरोना के कालखंड में होम्योपैथिक दवाइयों से हजारों लाखों लोगों ने इसका अपने कोरोना को बचाने के लिए उपचार भी किया, और उसमें से निश्चित रूप से आयुष सेवाओं को देश की जो स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायगी प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी स्तरों पर शामिल किया गया है। भारत में ये गांव-गांव में आयुष की चिकित्सा सुलभ लोगों को प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार के पास आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने और देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के कार्य क्षेत्र वृद्धि के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। दुबई में भारत सहित अन्य देशों से बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ
होम्योपैथी से जुड़े हुए विशेषज्ञ डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से जो मंथन के उपरांत नतीजे आएंगे वह काफी उपयोगी होगा और भारत के लिए और विश्व के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। मैं पुनः इस समिट में आए हुए सभी प्रतिनिधियों और चिकित्सकों सहित डॉक्टर नीतीश दुबे और उनकी पूरी टीम को पुनः मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। और बहुत धन्यवाद भैया। मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार से कोरोना कालखंड में भी नीतीश ने लाखों लोगों के घरों में वो दवाइयां भेजने का काम किया और मुझे विश्वास है उससे जो लोगों को लाभ मिला है, मेरे पुत्र द्वय अर्जित चौबे और अविनल चौबे भी वहां गए हैं, इन लोगों ने भी कोरोना के कालखंड में तमाम घरों में ले जा करके सेवा का काम, दवाई इत्यादि करने का जो काम किया, सचमुच इस प्रकार के इस सेवा के लिए मैं नीतीश दुबे को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मानव सेवा, माधव सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, दूसरों के दुख से द्रवित होकर उनके कल्याण के लिए कार्य करना ही मानवता है, यही सच्चा इंसानियत है। आइए हम सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी भद्र हो और सभी एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उस पीड़ा का निवारण करें। जीवित मानवता की सेवा में हम सब लगे रहे, यही हमारी शुभकामना है। और भारत सदियों से विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम सभी भारत पूरी दुनिया को अपनी शुभकामना प्रकट कर रही है और आपके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा, जोरदार तालियां एक बार जय हिंद आदरणीय सुनील चौबे जी के लिए। वंदे मातरम, नमस्कार। जय 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 जय। इस आयोजन में दुनिया के 25 से अधिक देशों के होम्योपैथिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में मैं हमारे मुंगेर के होम्योपैथिक जगत में आसमान पर छा जाने वाले डॉक्टर नीतीश दुबे को हृदय से शुभकामना देता हूं। डॉक्टर दुबे अपने छात्र जीवन से पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य में रुचि लेते रहे। मुझे भी सम्मेलन में आना था लेकिन कतिपय कारणों से नहीं आ पाया हूं। मुझे विश्वास है कि दुबई से डॉक्टर नीतीश दुबे का अहंकार होम्योपैथिक जगत में भारत का झंडा बुलंद करेगा। इस अवसर पर सभी चिकित्सक विशेषज्ञ एवं डॉक्टर नीतीश दुबे को शुभकामना देता हूं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और भारत के बाहर भी भारत लिए हुए कुछ लोग बैठे हैं और जब जब वो कोई भी कृत्य करते हैं तो ऐसा होता है जिससे भारत का नाम और मान और सम्मान और बढ़ जाता है। डॉक्टर्स ऐसे तो परमात्मा का रूप होते हैं इस धरती पर, लेकिन जब डॉक्टर नीतीश दुबे की बात आती है तो वो जब भी कोई कार्य करते हैं तो और भी परचम लहराता है भारत का और भी हृदय गर्वित होता है। मैं दिनेश को पहले दो शब्द अपनी शुभकामनाएं दे दो। हम अजरुद्दीन सर, श्री संत जी, सम सभी अक्षरा खड़े हैं, उसके बाद हम लोग सम्मान शुरू करेंगे। होम्योपैथ का जो मेरा अनुभव है, मेरा कोई भी अनुभव भैया से अलग है ही नहीं। मैं ये बात सच कह रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे जीवन का हर अनुभव मनोज भैया से कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाता है। होम्योपैथ का भी भैया आपसे जुड़ा हुआ अनुभव है मेरा। मेरे गांव में एक डॉक्टर हैं मनिहारी ब्लॉक में, और मैं कहीं कार्यक्रम करके आया था, मेरा गला बैठा हुआ था और मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मुझे कोई दवा दे दीजिए ताकि मैं अगला कार्यक्रम कर सकूं। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जितना मधुर गाते हैं क्यों, तुमको पता है? मैंने बोला नहीं, उनको मैंने दिया है होम्योपैथ की दवा। वो डॉक्टर साहब याद आ गया मुझे, पर मुझे तब नहीं पता था ना भैया, मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि बस तो वही दवा दीजिए जो आपने मनोज तिवारी जी को दिया था, क्योंकि मुझे भी वैसा ही गायक बनना है। और सच कह रहा हूं मैं, उनकी दवा सच में इतनी कारगर थी
कि वो मैं कार्यक्रम में लेके जाता था, अगर कभी गला मेरा बैठ जाए तो वो बोलते थे कि ये दो चार गोलियां आप खा लो तुरंत खुल जाएगा गला, और खुल जाता था। मैं ये मेरा अनुभव है। और अभी तो वो मिले थे तो मैंने उनको मजाक में अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा कि कोई एमपी बनने की गोली है तो वो भी हमको दे दीजिए। तो भैया उन्होंने दिया मुझे। भैया हमारे बीच हरभजन सिंह जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। वो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, ये भी एक बड़ी खुशखबरी है। हम थोड़ी देर में उनसे बात करेंगे। दिनेश जी आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। बस हो गई, बात पूरी हो गई भैया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे अभी एक और गोली दिया, एमपी वाली गोली भी उनके पास है। पर सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और बहुत प्यारे डॉक्टर हैं और बड़े प्यार से होम्योपैथ से वो सबका इलाज करते हैं, और मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबको मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि आप लोग होम्योपैथ को पूरे दुनिया में आप इस तरह से सेवारत हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे जो नीतीश भाई हैं इन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है, तो मुझे लगता है कि अब ये और भी आगे जाएगा और भी इसका विस्तार होगा। और बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू। नीतीश जी आप अजरुद्दीन सर को निकलना है, आप कुछ कह दें इनको निकलने के पहले। अजरुद्दीन सर भारतीय क्रिकेट का ऐसा नाम है जिनके लिए कुछ कहना मतलब वो अपने आप में एक कोर्स करने के बराबर होगा, कुछ पढ़ना होगा इसके लिए। इसलिए कि भारतीय क्रिकेट के जो भारत का जो क्रिकेट के प्रति लगाव है उसके उत्साह का जो चरम है वो इनके ही कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है। क्रिकेट के उत्साह का जो बढ़ता हुआ चरम हम लोगों ने, क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेट देखता था, लेकिन जो जोश इनके रहते हुए में जो भारत के लोग टीवी मतलब जनरेटर किया जाता था चंदा करके कि आज अजहरुद्दीन जी कप्तान थे, हमारे यहाँ गांव में 50 रुपया 25 रुपया सब करके जनरेटर किया गया, टीवी लगाया जाता था मैच देखने के लिए, वो उत्साह आज के दिन में भी नहीं है जो उस समय उत्साह चरम पर था। लाइट की कमी रहती थी, बैटरा आता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए, और उस पर 2000 लोग देखते थे मेरे गांव में। हम लोग 5 रुपया 2 रुपया चंदा करके बैटरा मंगवा के टीवी देखते थे, और एक ब्लैक एंड व्हाइट का 21 इंची 14 इंची का टीवी आता था, उसको 2000 लोग एक साथ देखते थे। तो आप अब इससे ज़्यादा कुछ आप समझ सकते हैं। बाकी हम सब के लिए गर्व का क्षण है कि जिस आदर्श को हम लोग टीवी पर देखते आए और जिनको हम लोगों ने माना कि भारतीयों के गर्व का जो विषय रहा, वैसे गर्वान्वित करने वाले लोग आज होम्योपैथी के इस इवेंट में हैं। होम्योपैथी के सभी चिकित्सकों की तरफ से मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि होम्योपैथी जैसे विषय में आप लोगों ने आकर, आपकी उपस्थिति होम्योपैथी को एक नई बुलंदी देगी, नई ऊंचाई देगी। आप सबका स्नेह और प्रेम हम लोगों पर इसी तरह बना रहे, ताकि आपका जो दुआ है आपकी उपस्थिति हमारे ऊर्जा को संबल देगा। और आपकी उपस्थिति में हम आपसे वादा करते हैं, आप तमाम लोगों से, कि जिस तरह से आपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उस तरह से होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से हम भारत को होम्योपैथी का विश्व गुरु बनाएंगे, ये वादा करते हैं हम सभी चिकित्सक आप लोगों से। और एक बार फिर से आप सब स्वागत करिए, हम लोगों के सामने हरभजन सिंह जी हैं जिन्होंने बॉल भी डाली तो दुनिया के सारे क्रिकेटर लड़खड़ाते हुए आउट होते देखे गए, और अगर कभी इन्होंने गुस्से में बल्ला थाम लिया तो बड़े 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 नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोगों को ऐसा छक्का दिखा हम लोगों को कि आश्चर्यचकित रह गए कि यह हरभजन सिंह बॉलर है या फिर सुपर हिटर है हमें नहीं पता, लेकिन आज ये होम्योपैथ को सहारा देने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले एक इंडियन के रूप में खड़े हैं। जोरदार तालियां हमारे हरभजन सिंह जी के लिए। और मुझे लगता है कि सांसद बनने के बाद हम और ये साथ में पहली बार खड़े भी हैं, और एक साथ तीन तीन सांसद हैं,
बाद में श्री संत का क्या होगा मुझे नहीं पता और किसी का, बट हरभजन ये नीतीश जी आपसे मिले होंगे, नीतीश दुबे, यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से अपनी होम्योपैथ की यात्रा शुरू की और आज यहाँ पे सुबह से शाम तक मुझे लगता है मोर देन कितने डॉक्टर्स को आपने सम्मानित किया होगा देश दुनिया के? दुनिया के लगभग 125 डॉक्टर्स हैं यहाँ और अलग अलग देश के लगभग 25 देश के प्रतिनिधि यहाँ पर होम्योपैथी के हैं। तो सोचिए, मैं समझता हूँ देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो बिजनेस आइकून हैं, लेकिन हेल्थ आइकून अगर कोई बन जाए तो ऐसे नीतीश दुबे के लिए हमें बहुत तालियां बजा करके स्वागत करना चाहिए। और आप मात्र हेल्थ आइकून नहीं है बल्कि जो और भी होम्योपैथ के डॉक्टर्स हैं उनको देखो, दुबई आना जीवन का एक सपना होता है। ऊंची ऊंची, हम लोग तो मुंबई में जाके ही कहते थे अरे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, यहां आए तो समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया का कौन सा। तो इस शहर में आज होम्योपैथ को सपोर्ट करने आए श्री हरभजन सिंह जी को हम लोग दो शब्द सुने, फिर वो कुछ अवार्ड दे करके फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। शुक्रिया मनोज भाई, थैंक यू दुबे साहब, बहुत बहुत मुबारक। सब जो मेरे साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्यार। और जो सब डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो काम आप करते हैं शायद दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल काम है। और सेहत किसी की अच्छी हो जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, और ख़राब हो जाए तो उससे ख़राब कुछ हो नहीं सकता, और बचाने वाला एक ही होता है डॉक्टर। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए। और आपने ये जो कार्यकाल संभाला है दवाइयों का, या फिर हम होम्योपैथी की बात करें तो ये सबसे सेफेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। मेरे घर परिवार में भी ये मेडिसिन कई सालों से चल रही है। मैं खुद आपको बताना चाहूँगा कि थोड़े 4-5 महीने पहले मुझे डायबिटिक की शिकायत हुई, जो जिसके चलते मेरा वेट काफ़ी कम हो गया। सब कहते हैं फिट बहुत हो गया, ये फिट नहीं है, ये कमज़ोरी है। पर हंसने वाली बात है नहीं वैसे, चलो आप हंस सकते हैं इस पे। पर बहुत बार मुझे बोला गया कि आप ये दवाई खाइए, ये दवाई खाइए, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मेरे वहीं पे एक जलंधर में डॉक्टर है, डॉक्टर कवलजीत सिंह जी, वो भी होम्योपैथिक की दवाई देते हैं, तो मैंने वहीं से दवाई उनकी दवाई खाई है। तब मेरी शुगर कोई 380 के करीब थी और आज मेरी शुगर दोबारा 120-115 के करीब आ गई है। दिस इज जस्ट ड्यू टू एक अच्छी डाइट, और साथ ही साथ में मैं अगर होम्योपैथी की दवाई लेता हूँ इसीलिए लेता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ का। तो बहुत शुक्रिया आप सबका और मुझे इस मंच में बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। मैं किसी तरीके से कभी भी आपके किसी काम आ सकूँ तो ज़रूर याद करना। बहुत बहुत प्यार सबको, बहुत सत्कार, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं डॉक्टर वंदना से निवेदन करूंगा कि आप अगला नाम लीजिए, लेकिन इसके पहले मुझे ऐसे पता चला है कि यहाँ क्रिकेट का एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ जो आज तक पे हमेशा क्रिकेट की चीज़ें रखते हैं, और वैसे वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं लेकिन वो क्रिकेट की दुनिया की बातें आप तक हम तक पहुँचाते हैं, आज तक पे विक्रांत आए हैं, उनका जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करते हैं। थैंक यू विक्रांत जी, कम 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 आपका स्वागत करेंगे पहले नीतीश जी। विक्रांत जी को बोलता हूं एक बार आप सबसे होम्योपैथ पे और दुबई के इस इवेंट पे नीतीश जी के बारे में बात कर लें, देन वी विल प्रोसीड। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दरअसल 10 दिन पहले डॉक्टर साहब मिले थे और उन्होंने बताया कि 350 डॉक्टर्स वो दुबई लेकर आ रहे हैं, तो मैंने कहा हमने 6 या 8 क्रिकेटर्स का शो जब कर रहा होता है, मिजोरम 3 महीने नींद नहीं आती, तो आप 350 डॉक्टर्स हिंदुस्तान से लेकर आ रहे हो, इनकी तारीफ। और आई थिंक होम्योपैथी का शायद विदेशी मुल्कों में इतना ज़्यादा
लोगों को नहीं पता है, बट बहुत अच्छा होगा सर कि यहाँ पर भी लोगों को पता चले। जैसे बच्चू पा ने कहा, Albert, मैं तो खुद बड़ा सेल्फिश हूँ डॉक्टर साहब को, मैंने इस इवेंट के बाद पकड़ना है, दो तीन काम मेरे भी पड़े हुए हैं वैसे ठीक कराने। बाकी क्रिकेट सर मेरी बात कर रहे थे मनोज जी, आपको पता है भाई ये ठीक ठाक इन स्विंग डालते हैं, मीडिया 11 और एमपीज 11 का जो मैच होता है कप्तान होते हैं, हाँ तो कप्तान होते हैं। और एक बार की बात है जब हम लोग गलती से मैच जीत गए थे, तब अनुराग ठाकुर थे कप्तान, तो उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर तब एमपी होते थे, कहते अगले साल उनको लेकर आएंगे। लेकिन अब सर आपके पास आ गए हैं भज्जू पा, अब जो है मुकाबला हम इनसे नहीं कर सकते आपकी टीम से। लीजिए सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। थैंक यू विक्रांत जी, ये बात आपने ठीक कहा कि अब हमारी टीम में भज्जी आ गए हैं, तो अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जब भी नेक्स्ट होगा फिर हम लोग वो उस हार का बदला लेंगे उस। थैंक यू सो मच, मेरे रन्स बनवा देना जो मर्जी कर लेना बाकी। अरे बहुत तगड़ा बैट्समैन है विक्रांत भज्जी भाई, बहुत तगड़ा, और मतलब मुझे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मुझे छक्का मारना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इन्होंने ऐसा मारा कि मेरा लाइन लेंथ गड़बड़ हो गया। तो आप यहाँ आए, बहुत भाग स्वागत। अब डॉक्टर वंदना, मुझे ये मंजर देख करके गाना याद आ रहा है कि उड़ने लगा है ये मन बावरा रे, आया कहां से नीतीश ये हौसला रे, ओ रे पिया भारत माता की जय। थैंक यू सो मच मनोज भैया, चूंकि भाई की तरह हैं, इन्होंने पूरे कार्यक्रम को अभी संभाला, और मतलब अभी बहुत चिंतित
थे हम लोग कि कैसे कार्यक्रम होगा, लेकिन जिस खूबसूरती से एक बड़े भाई का पूरा फर्ज इन्होंने निभाया और पूरा कार्यक्रम संजो दिया, एक बार जोरदार ताली पूरे होम्योपैथी परिवार की तरफ से, और चार लाइन इनके मुंह से फिर से सुनना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल है। जस्ट बिफोर 2 मिनट्स आई वॉज मीटिंग विद व्हाट इज नेम सर का बुक लॉन्च्ड, डॉक्टर इसाक जोस, एंड आई मेट विद सम माय फ्रेंड्स फ्रॉम हंगरी एंड इटली एंड रसिया। दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर अस एज अ आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, एज अ टीवी प्रेजेंटर फॉर इंडिया एंड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम इंडिया। रियली आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन टू ग्रेस द ओकेजन, पीपुल फ्रॉम बिहार। अब जे हमारे गाँव से आयल वोकरा खातिर हम का कहीं, हमार शब्द हमारे अलग अलग राज्यों से आने वाले भी जो इंडिया के लोग हैं और जो इस इवेंट में जो पिलर्स है, उन सभी लोगों को भी मैं थैंक करना चाहता हूं। और डॉक्टर नीतीश दुबे का रोज हमारे लिए एक नया परिचय है। मैं एक और कार्यक्रम में आया था जब ये कार्यक्रम दिल्ली के ताज होटल में हुआ था, और दूसरे कार्यक्रम में हम हैं जो दुबई का, ये कौन सा होटल है, जेडब्ल्यू मैरियट मरकस, जिसके बारे में कहा जाता है दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट होटल ऑफ द वर्ल्ड है। नीतीश जी आप बधाई के पात्र हैं मेरे दोस्त। वैसे तो हमारे राम जी सर ये ऑल इंडिया होम्योपैथिक एसोसिएशन के आप पदाधिकारी हैं ना, चेयरमैन है। मुझे लगता है कुछ लोगों को ईश्वर इसीलिए भेजता है कि तुम्हें विशेष काम करना है। मैं जब पहले प्रोग्राम में आया था नीतीश जी के, तो भी मुझे आश्चर्य हुआ था, क्योंकि आमतौर पे क्या कहा जाता है कि जो लोग होम्योपैथ के डॉक्टर होते हैं वो बहुत, उनकी दुनिया, उनका एम्पायर बहुत बड़ा नहीं होता है, ऐसा हमको बताया गया है। लेकिन वो मेरी जो सोच थी, धारणा थी, वो खत्म हो चुकी है। हम लोग जब कोई शो करने के लिए दुबई में आते हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए आते हैं, तो भी हम सोचते हैं कि पता नहीं हॉल में कितने लोग बैठेंगे, कैसा शो होगा। लेकिन आपने तो मोर देन 500 लोग आप देश के बाहर से बुला लिए। अश्विनी चौबे जी के दोनों लड़के भी, बेटे भी यहाँ आए हैं, अर्जित और अविरल, पता नहीं वो अभी बैठे हैं यहाँ, कहाँ हैं, बैठे हैं, अर्जित बैठे हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आप सबको इतना ही बोलना चाहता हूँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सिर्फ एक कोशिश की है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, और मुझे लगता है सेल्फ डिपेंडेंसी में जो होम्योपैथ का रास्ता हो सकता है, उसमें गवर्नमेंट के रूप में, इंडियन गवर्नमेंट के रूप में हमको जो करना है, हम उसमें बेस्ट से बेस्ट रास्ता दे रहे हैं।
लेकिन कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सारी कोशिश कर ले तो भी वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता जितना कि हमारे डॉक्टर्स के, हमारे डिफरेंट फील्ड्स के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कोशिश से होगा। पर मुझे दिल से मैं बता रहा हूं, मैं इस आज के इवेंट पे इंडिया जाते ही मैं एक आर्टिकल लिखूंगा और सभी को बताऊंगा कि हमारे इंडिया का होम्योपैथ जो भले ही जर्मनी के साथ मिलकर के कुछ अलग सजा हो मगर इसको हम लोग और भी बड़ी दुनिया बनाने के लिए काम करेंगे और इसके महत्व को बताते रहेंगे। आई वॉज मीटिंग विद वन रशियन मेंबर, शी टोल्ड मी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज बट योर सिंगिंग इज वेरी नाइस, दैट इज बेस्ट प्राइज फॉर मी एंड माई ब्रदर दिनेश लाल यादव, वी बोथ आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देर इज टू पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोकसभा, वी आर फ्रॉम लोकसभा और हम पूरी कोशिश करेंगे हम दोनों, चूंकि इंडिया में सरकार भी हमारी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और कोई भी आपके इस रास्ते में जहां भी आवश्यकता होगी हम उसको सरकार के सामने बहुत मजबूती से रखने का प्रयास करेंगे। मेरी प्रैक्टिस पिछले 10 साल की है, मैंने बहुत सी कंपनी की दवा यूज़ की, सर की कुछ दवा इतनी अच्छी है, खासकर मैं स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, पेशेंट स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इतना परेशान था या रहता है, हम उसको बोलते हैं घंटा आप चिंता नहीं कीजिए आप 2 घंटे दवा तो खाइए, अपनी क्लिनिक पर बैठ कर ये बोलते हैं तुरंत खाइए हर 10 मिनट पर डोज पर और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। थैंक्स नीतीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे प्रैक्टिस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक्स। सबसे पहले मैं डॉक्टर नीतीश सर को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हम सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ये पहला ऐसा मंच होगा, इतना बड़ा मंच जिसपे होम्योपैथी के डॉक्टर इकट्ठा हुए हैं और ऐसा कार्यक्रम अगर भारतवर्ष में कोई दोबारा कर सकता है तो वह डॉक्टर नीतीश सर ही होंगे और कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से एक होम्योपैथी डॉक्टर के लिए मंच पाना एक सपना होता है और आज हम सभी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसके लिए जितना भी आप
बार बार मुंह से धन्यवाद निकल रहा है। इसके अलावा और सर मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। और जीवन में अगर मैंने अपने पिता के बाद किसी को फॉलो किया है होम्योपैथी के क्षेत्र में तो वो डॉक्टर नीतीश सर हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नीतीश जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने शानदार एक हम सबको बुलाया है। कई पहली बार आए हैं, कई दूसरी तीसरी बार आए, ठीक है। अब मैं विशेष तौर से एक रिक्वेस्ट करने के लिए आज यहाँ खड़ा हुआ कि डर्मा जैन जो है वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विशेष तौर से बहुत डिमांड है उसकी। और मैं नीतीश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी जो है डॉक्टर इतना मांग रहे हैं तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। बाकी सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन डेयर टू ड्रीम बिग देन एट द सेम टाइम ही गिव्स अ ड्रीम टू अदर्स टू स्ट्रेच देमसेल्व्स टू ड्रीम। सो दैट इज हाउ अ पर्सन कैन बिकम अ रोल मॉडल because he can inspire others. So I hope there are many, senior generation is already there, but there are many juniors also there who can see Nitish growing and getting encouraged and inspired that they can also be the one. So please learn a lot from him. And I think the best thing in him is, undying perseverance of the things and very focused and committed towards his profession. So thank you Nitish for doing this very very magnanimous event and giving homeopathy a totally international standard and status, and that to Indian homeopath doing it. We cannot forget this. This is historical. You have become a historical figure that some homeopath from a very small village of Bihar coming out and daring to do the things which no one in the world has dared to do. सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों डॉक्टर बी एन सिंह सर हमारे सामने बैठे हुए नेशनल कॉलेज से और तमाम जिनसे सुबह से हम लोग सीख रहे हैं, डॉक्टर साहब से इनफर्टिलिटी का सीखा, डॉक्टर साहब का लेक्चर सुना, तो सबका मैं नमन करता हूं। और हमारे जो जूनियर साथी बैठे रहे इतने वक्त तक, और मैं समझता हूं लगभग एक एक व्यक्ति हमसे आके मिला है, हमें प्रेम दिया है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम ने होम्योपैथी की शक्ल किस रूप में बदली है ये आप बाई तरफ देख सकते हैं, जहां पर शायद विदेश के लोग, तमाम देशों के लोग होम्योपैथी का, जब भारत का नेशनल एंथम बज रहा था तो लोग डांस कर रहे थे पीछे। ये शक्ल बदली है होम्योपैथी की इस प्रोग्राम ने। इसके लिए मैं डॉक्टर नीतीश जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। होम्योपैथी जिसके लिए आप सब जो सबसे आगे लाइन में बैठे हुए हैं, आप सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है। हम लोग 4G का सहारा लेकर, अब आने वाले वक्त में 5G का सहारा लेकर थोड़ा बहुत शोर मचा के चीज़ों को थोड़ा आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो 2 रुपए वाला कंसेप्ट था साथियों, जो 2 रुपए की दवा वाला कंसेप्ट था, उससे आप ही लोग लड़े उस वक्त और शायद दी भी लोगों को, उससे होम्योपैथी बढ़ती रही। इसके लिए सारे सीनियर साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज से करीब 2 साल पहले मेरे हिसाब से होम्योपैथी के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर आया, और वो अवसर था कोविड का, कोरोना का। कोविड का इन्फेक्शन जब इस पूरे विश्व में फैला तो शुरू के 2-3 महीने विश्व में किसी के पास उसका उत्तर नहीं था कि उसको कैसे रोका जाए। उसका उत्तर केवल भारत के पास था, क्योंकि भारत में ही होम्योपैथी को जो प्रमुखता दी जाती है वो शायद अभी तक किसी देश में नहीं दी जाती है। चाहने वाले बहुत हैं, मानने वाले बहुत हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर विदेश में आज भी डाना उलमन साहब हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग अगर यूट्यूब पे होम्योपैथिक मेडिसिन डाल देते हैं तो चैनल ब्लॉक हो जाता है। वो कहते हैं दिस इज नॉट आवर फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन, तो आप रेमेडी डालिए, दे डोंट टेक इट एज अ मेडिसिन। तो डाना उलमन साहब जैसी शख्सियत जो अमेरिका में इस बात के लिए लड़ रहा है, उसको भी आप लोग लाए। तो ये जो कोरोना काल आया, इसमें हम सब होम्योपैथों ने जो फ्री में आर्सनिक एल्बम बांटी, किसी ने आर्सनिक आर्स बांटी,
किसी ने एंटी मार्स बांटी, किसी ने इन्फ्लुएंजिनम बांटी, कुल मिला के ये देखा गया कि उस कम्युनिटी में प्रेवलेंस कम रहा। मैं अपना एग्जाम्पल अगर एक पल दे दूं, तो मैं, मेरा क्लिनिक नादान नखास महल, नादान महल रोड पर है, वहाँ पर 27 लोग एक कमरे में, एक घर में रहते हैं, और गोमती नगर में 27 कमरों में एक आदमी रहता है। गोमती नगर जो है वो कोविड फैलने का नंबर दो पर था लखनऊ में, और नादान महल रोड नखास जहाँ 27 लोग एक घर में रहते हैं वहाँ पर 8वें नंबर पर था। ये है मैजिक अपनी होम्योपैथी का, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक और खास बात जो मेरे मन में आती है, माइक मैडम ने दे दिया, मैं तो पीछे बैठा था, तो डॉक्टर साहब क्योंकि सामने बैठे तो पूरे भाव मन के मैं रखना चाहता हूं। होम्योपैथी आने वाले वक्त की पैथी क्यों है? होम्योपैथी मेरे हिसाब से आने वाली वक्त की पैथी इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद आ चुका है, और होम्योपैथी आयुर्वेद का भी परिष्कृत रूप है। होम्योपैथी इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा, वेयर वी हैव क्वांटिटी लेस एंड क्वालिटी मोर बाय द वे ऑफ डायनामाइजेशन। तो एक बहुत अच्छा अवसर हम लोगों के बीच आने वाला है जो यह कोविड से शुरू हुआ है, और एक होम्योपैथी ऐसी पैथी है जिसमें किसी मर्ज का बिना साइंटिफिक कारण जाने, डॉक्टर साहब बताइएगा, बीएन सिंह सर अगर बात दिल में आए तो उतरे, तो बिना मर्ज का मेडिकल कारण जाने हुए हम मर्ज को ठीक कर सकते हैं, और ये कोविड ने प्रूफ कर दिया है। एक दौर था जब हम लोग हैजा की बात करते थे, कालरा की बात करते थे, इन मर्जों की बात करते थे, लेकिन आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजे जो एनसीडीज बढ़ रहे हैं उसमें कोई काम नहीं कर पा रही है दवा। हम लोग इसलिए अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हम लोगों के पास साइनस की दवा है। क्या साइनस की दवा कहीं और है? कोई हम लोगों पास माइग्रेन की दवा है, क्या होम्योपैथी कहीं और है? हम लोगों पास आर्थराइटिस की दवा है, हम लोगों पास ऑटिज्म की दवा है, एडीएचडी सही करा जा सकता है, एमएनडी सही करा जा सकता है, अल्जाइमर सही करा जा सकता है, पार्किंसन सही कराया जा सकता है, पैरालिसिस सही कराया जा सकता है, तो ट्रांसवर्स मेलाइटिस सही। तो होम्योपैथी आने वाले भविष्य का जवाब है, और यह एक ऐसा रिफाइंड फॉर्म है होम्योपैथी आयुर्वेद का जो कहीं ना कहीं आगे ले जाएगा। और होम्योपैथी का एक और जो बहुत से हमारे साथी प्रैक्टिस करते हैं, और अभी वो शायद लाइमलाइट में नहीं आया लेकिन अब आएगा, क्योंकि कीटनाशकों का उपयोग जो पेड़ पौधों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो भी एक वक्त आने वाला है। सॉइल की क्वालिटी खत्म हो रही है, फ्रंट लेयर उसकी डिप्लीट हो चुकी है लगभग, उसके बाद हम लोगों को होम्योपैथी दवाओं का सहारा एग्रो होम्योपैथी के फॉर्म में भी लेना पड़ेगा, वो भी वक्त आएगा। अभी शायद आपको लग रहा हो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इसराइल वगैरह में, इसराइल साइड और उस तरफ इन चीज़ों का प्रयोग शुरू हो गया है, और अपने देश में भी तमाम ऑस्ट्रेलिया में एग्रो होम्योपैथी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। और जो हमारे साथी गांव कनेक्शन के हैं वो जानवरों को बहुत, हमारे जो बैचमेट था वहाँ पर, रूममेट था मुरादाबाद कॉलेज में, वह जो है अपने पूरे गांव में जानवरों को दवा देता था, और पूरा गांव उसकी बड़ी सेवा करता था इसी बात के लिए, यानी कि दवा काम करती थी, हर जिंदा चीज पे काम कर सकती है। पेड़ भी जिंदा है, जानवर भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है। हैं हम लोग भी जानवर, लेकिन हम लोग अपने को अलग कर लेते हैं जानवरों से थोड़ा, हालांकि हैं हम लोग भी जानवर ही। एक चीज और साथियों मैं रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि फिर अब कार्यक्रम को, और वह है होम्योपैथी की डाइवर्सिटी की बात। एक अगर पॉइंट और हम कह सकते हैं, मैं जूनियर्स को कह रहा हूं, सीनियर्स को तो मुझसे ज्यादा पता है, वह है वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी। होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है वैक्सीनेशन करने में, ऐसा वैक्सीनेशन जो हम लोग सपोर्टिव थेरेपी के रूप में एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का कर सकते हैं। तो यह सब कुछ बिंदु थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, मैंने आपके सामने रख दिए, और आपके प्रेम मोहब्बत, मेरे जूनियर्स पीछे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए, बहुत सेल्फी खिंचाई, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और नितेश जी का धन्यवाद मैं एक भाई के तौर पर भी करता हूं क्योंकि इनसे प्रेम हो गया है 3 दिन इनके साथ रहते हुए, और इनका धन्यवाद मैं इसलिए भी करता हूं कि भारत के विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के लिए जो
एक प्रयास है उसमें होम्योपैथी मेडिकल साइंस के शीर्ष पर आके अनपैथियों का मुकाबला भी कर सकती है और उससे ऊपर भी निकल सकती है। जो यह मंच उन्होंने इस चीज के लिए दे दिया है, अभी हम मैडम से, अभी हम कह रहे थे भाई साहब से कि मतलब क्वालिटी की बात है, ये जो एलईडी लगा है इतने महीन पिक्सल हैं इसके, जितना हम लोग भी कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, तो ये विल पावर की बात है, हर चीज में पैसा लगता है। और मैं नीतीश जी को और धन्यवाद एक बात के लिए करना चाहूंगा, है नीतीश जी हमारे सामने नहीं है, करना चाहूंगा कि मुझ जैसा एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, सर नीतीश जी एक पल आ जाएं सर मेरे पास, मेरा हौसला बढ़ जाएगा, मुझ जैसा लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति जिसके पास 18 अगस्त 2022 तक पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि मुझे क्या पता था कि मैं विदेश भी जाऊंगा कभी, हम लोग तो लखनऊ से दिल्ली चले गए, लखनऊ मेल बैठ के वहां से वापस आ गए, तो 18 तारीख को मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा, मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इस बंदे कारण आज मैं अपने परिवार से कह सकता हूं कि मैं अब तुम लोगों को भी विदेश में ले जाऊंगा, क्योंकि विदेश जाना मेरे लिए उतना कठिन नहीं बचा। तो नीतीश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एक नारा आखिरी दूंगा, जय बर्नेट, जय हनीमैन, जय होम्योपैथी, धन्यवाद। रियली दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, और इंडिया की एक खासियत है, हम कभी इंडिया को ही फैमिली नहीं मानते। द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर इंडिया इज होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। हम सब बार बार कहते हैं ना कि अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, हमने तो सारी दुनिया को अपना परिवार माना है, और उस परिवार का एक फंक्शन हम लोग दुबई में डॉक्टर नीतीश जी के नेतृत्व में किया। हमारे पास शब्द नहीं है थैंक्स करने के, मगर जब तिरंगा देखा तो अभी अभी मैंने एक गाना गाया है, वो मुझे लगा कि एक बार आप सबके साथ हम लोग गाएं, उसकी हमारे मुरलीधर पांडे जी वीडियो भी बनाएंगे। और मेरा एक साथी है लाल बहादुर ठाकुर, जो यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट ग्राउंड्स बना रखे हैं, मेरा चश्मा टूट गया था वो भी मुझे यहाँ के किसने, संजीव ने बनाया, वो बनवा के ला दिया, 40 मिनट में ला दिया बनवा के। तो उसी को कहते हैं कि अगर अपने साथी दुनिया में कहीं मिल जाए तो वर्ल्ड इज आवर होम, और मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें वी विल विजिट हंगरी, वी विल विजिट इटली, वी विल विजिट रसिया।
भारत माता की।